तो प्यारे बच्चों यार फाइनली सेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, काफी सारे बच्चों की क्वारी रहती है इस कॉलेज के रिगार्डिंग कि भैया क्या अपडेट है। हालांकि दो राउंड सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुके हैं सेंट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से, लेकिन जो सबसे अच्छी अपडेट है जो हमने आपको फर्स्ट राउंड के अंदर बताई थी, वही सेम घटना घटित होती दिख रही है बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर। बहुत सारी ब्रांचों में थोड़ा सा डिफरेंट आया है, काफी सारे स्टूडेंट ने सीटें ले ली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ली थी, टिल सेकेंड राउंड तक जो है कैंसिल कर दी अपनी सीट। तो यार इसका मेन रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसका यार मेन रीजन है मार्क्स बेसिस, बिकॉज यूनिवर्सिटी की जो फीस थी काउंसलिंग की वो काफी कम थी। काफी सारे स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट रिलीज की गई थी स्पेशली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बीटेक ब्रांच के लिए, वहाँ पे 99.99% जिन बच्चों के पीसीएम में बन रही थी वो बच्चे भी वहाँ पे अवेलेबल थे। और हालांकि जो सीटें हैं वो मार्क्स के बेसिस पे अलॉट की गई थी, जिनके हाई मार्क्स थे वो बच्चे प्रेफर करते हैं जस्ट लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेजेस BHU, MU, JNU। एंड हालांकि उन यूनिवर्सिटियों की काउंसलिंग अभी चल रही है एंड नो अलॉटमेंट फॉर दिस प्रोसेस। तो जो उन स्टूडेंट ने फीस पे नहीं की और यहाँ की जो सीटें हैं वो वैकेंट रही। हालांकि सेकेंड अलॉटमेंट रिलीज किया गया, सेकेंड अलॉटमेंट में भी कोई खास फर्क नजर नहीं आया और फिर से जो है सीटें काफी कम रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया रिगार्डिंग द थर्ड अलॉटमेंट। 17 अक्टूबर 2022 को फिर से थर्ड अलॉटमेंट रिलीज किया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से फिर से एक नई अपडेट हो रही है वैकेंट सीट प्रोसेस की, कि कितनी सारी सीटें जो है फिर से वैकेंट रही है इन दिस प्रोसेस। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारी कॉलेजों के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है क्लोजिंग पे है। जिन भी स्टूडेंट के CUET के अंदर काफी लो मार्क्स है उनको क्या करना चाहिए? सर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन भी स्टूडेंट के काफी लो मार्क्स है उनको अडॉप्ट कर लेने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज। अगर अपन बात करें इंडिया के ऑलमोस्ट 65% कॉलेजों के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्लोज कर दिया गया है और जो है बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको BTech CSE तक मिल सकता है ऑन स्पॉट डायरेक्ट एडमिशन अभी इस मोमेंट पे, बिकॉज ऑलमोस्ट एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे बच्चे सीट लेने के बाद सीटें छोड़ रहे हैं, वैसे भी काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में जो है बच्चे सीट लेके छोड़ देते हैं। उन कॉलेजों के अंदर आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी पूरी हेल्प करती है रिगार्डिंग द प्रोसेस। और यार एक मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है रिगार्डिंग द करियर ग्रोथ एंड सोल, बहुत सारा सीन है। हालांकि काफ़ी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट है 15 तारीख, बहुत सारे कॉलेजों की लास्ट डेट है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसके भी लास्ट डेट की अगर अपन बात करें तो यार 15 अक्टूबर है। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कम अप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, बिकॉज द एप्लीकेशन चार्जेज आर वेरी हाई। ओके, और भी यार काफ़ी सारे कॉलेजेज हैं जहाँ पे आप ऑन स्पॉट डायरेक्टली एडमिशन भी ले पाएंगे जब आपकी, अगर आपने उन कॉलेजों में अप्लाई भी नहीं किया हो तो, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेज जो है ऑन स्पॉट एडमिशन प्रोसेस ओपन करेंगे, फिजिकली काउंसलिंग ओपन होगी। तो जस्ट आप लोगों को ऑलमोस्ट एडमिशन तो हम दिला सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप उस पर कॉल कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट टिल लास्ट राउंड तक एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हमारी टीम की तरफ से अलॉट करवा दिया जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच हमारा सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।